खबर असरगंज से है, जहां चौथे चरण के मतदान के पूर्व नामांकन की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसमें असरगंज के प्रचालित व्यवसाय चंदन पूर्वे ने बुधवार को अपना नामांकन प्रखंड विकास पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार के समक्ष कराया। वहीं नामांकन के पश्चात उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि किसी प्रत्याशी के साथ मुझे डर नहीं है, असरगंज की पूरी जनता मेरे साथ है। मैंने पिछले 5 साल जनता की सेवा की है, जिसका विश्वास मुझे इस बार जरूर मिलेगा और मैं जनता के आशीर्वाद से जीत हासिल करूंगा। पंचायत में जितना भी योजना हुआ है वो आधा अधूरा छोड़ा गया है, मैं उसको हर हाल में पूरा करूंगा। और असरगंज की सबसे बड़ी समस्या जो है वो मार्केट में एक भी शौचालय नहीं है। सबसे पहले मैं अगर जनता के आशीर्वाद से मुखिया बनता हूँ, सबसे पहले मैं सार्वजनिक शौचालय का वहाँ पर निर्माण कराऊँगा, और जो भी नल जल योजना का कार्य अधूरा है मैं उसे पूरा करूँगा। इंदिरा आवास, शौचालय, जो भी कमीशन खोरी करके गरीबों को नहीं मिल के वो हितैषी को मिला है, मैं 100% गरीबों को इंदिरा आवास शौचालय का जितने भी होंगे मैं उनको 100% प्रयास करूंगा, मैं उनको दूंगा। हमारे साथ जनता है और जनता के बीच में 5 साल तक लगातार सेवा करता आया हूं, और मुझे विश्वास है कि आज के नॉमिनेशन में ही मैं आपने देख लिया होगा कि हमारे साथ कितने आदमी थे और प्रत्याशी के साथ कितने आदमी थे। आपका सर परिचय? मैं चंदन कुमार पूर्वे। कौन सा पद से लड़ रहे हैं? मुखिया। कौन सा पंचायत? असरगंज पंचायत से। R9 भारत के लिए राजेश कुमार की रिपोर्ट, असरगंज। सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जिले के चौरौत एवं नानपुर में पूरे उत्साह एवं शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान संपन्न हुआ। जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित सभी वरीय अधिकारी नानपुर एवं चौरौत प्रखंड के मतदान केंद्रों का सुबह से ही लगातार ले रहे थे जायजा। कड़ी सुरक्षा के बीच उत्सव एवं उत्साह के वातावरण में संपन्न हुआ मतदान। अपने मताधिकार के प्रयोग को लेकर लोगों में अपार उत्साह दिखाई पड़ा। अपराह्न 5 बजे तक नानपुर में लगभग 43% एवं चौरौत में 48% मतदान। R9 भारत के लिए सत्यम कुमार की रिपोर्ट, सीतामढ़ी। पंचायत चुनाव को लेकर जारी मतदान में लोगों को देखा जा रहा है, खासकर महिला मतदाता। पहले मतदान फिर जलपान की भूमिका रही। सुबह से ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर महिलाओं की काफी भीड़ देखी जा रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कहरा प्रखंड अंतर्गत 12 पंचायतों में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ सुबह 7 बजे से ही मतदान शुरू हो चुकी। हालांकि ज्योतिया पर्व को लेकर उपवास में चल रही महिला वोटरों को प्राथमिकता देते हुए उन्हें पहले लाइन में लगाकर सुबह 6 बजे से ही महिला वोटरों की लाइन लगना शुरू हो गई। बता दें कि कहरा प्रखंड में कुल मतदाताओं की संख्या 88,067 है, और जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 42,583 है तथा पुरुष मतदाताओं की संख्या 45,484 है। प्रखंड में कुल 155 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 149 मूल बूथ तथा 6 सहायक बूथ बनाए गए हैं। प्रखंड में 12 पंचायत में 2 जिला परिषद, 12 मुखिया, 12 सरपंच, 15 पंचायत समिति सदस्य, 149 वार्ड सदस्य और 149 वार्ड पंच पदों का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। हालांकि इस बीच मोहन पंचायत के बूथ संख्या 154 और 155 पर मुखिया एवं जिला परिषद की ईवीएम में गड़बड़ी होने के कारण मतदान 1 घंटा विलंब से शुरू हुआ। मतदान करने के लिए आया है, किस मुद्दे जो मतलब अच्छा है, जो समाज का भलाई करेगा। क्या समाज में क्या काम चाहते हैं, कैसे क्या उम्मीद है? ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा। क्या नाम है आपका? R9 भारत के लिए शिव कुमार भगत की रिपोर्ट, सहरसा, बिहार।